न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। भीषण चिलचिलाती गर्मी के दौरान दो बूंद पानी को तरसते लोग, ऐसे में अगर प्यास बुझाने को पानी मिल जाए तो किसी अमृत से कम नहीं, लेकिन यही अमृत किसी जहर से कम साबित नहीं हो रहा। जी हाँ, ये बात सुनकर तो कुछ देर के लिए आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। हम आपको बताएंगे किस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं बेगा जनजाति के लोग। क्या जानवर, क्या इंसान, सब कीचड़ युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार गुहार सरकारी अधिकारियों से लगाई गई, लेकिन इस और कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। मिलता है तो कार्रवाई के नाम पर बस आश्वासन। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्ला बोल। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में बेगा संरक्षित जनजाति को पानी के रूप में जहर पीना पड़ रहा है। यहाँ के निवासी बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे लोगों में बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। पुष्पराजगढ़ के गिरारी खुर्द की ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं उतनी ही शर्मसार करने वाली भी हैं। गिरारी खुर्द के बैगन टोला में 23 बेगा संरक्षित जनजाति के परिवार निवास करते हैं। यहाँ सरकार की सभी योजनाओं को पलीता लगता दिख रहा है। तस्वीर में आप भी देख सकते हैं कि ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर का सफर तय कर गांव से दूर एक गड्ढे से पानी भरते हैं और दलदल में से अपनी ज़रूरत का पानी निकालते हैं। वहीं ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी उदासीन बने हुए हैं। भाई पीना है, जान बचाना है सर, तो भाई अब चाहे गंदा हो अच्छा हो पीबो से। अब भाई अब ओखर कोनो रोग बे जो खर पीछे पड़ी सा, तो फिर हम गए। आपके यहाँ जो कभी कोई आता है तो वो भी यही पानी पीता है? तब हो गए साहब, वो पीस तो पीसने का है, वो देखे तो अकेला नहीं आवे सर, तो पिए के तो बहुत पानी भरने के लिए आए। कैसा पानी है? बहुत गंदा है। फिर भी क्यों पीते हो? तो कहाँ जाए, पानी मिल ही नहीं रहा है यहाँ, तो इसी गंदा पानी को पीते हैं हम लोग सब, गाय भैंस आदमी सभी लोग यही नहाते हैं, यही कब पीते हैं, यही नहाते हैं सब कुछ। तुम कौन सा पानी पीते हो, ऊपर उठा के दिखाओगे मेरे को? ये वाले। और गाय कौन सा पानी पीती है? ये वाले। तो इस पानी को पी के तुम बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं। और गाय बैल? उन भी मर जाते हैं कहीं चिखला में धस के, तो कहीं कैसा होकर, पानी नहीं है तो। जनपद के किसी भी अधिकारी ने पानी की व्यवस्था नहीं की? आते हैं सर, लेकिन नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है कि पानी है कि नहीं। की बहुत तकलीफ है, झेरिया से पीथन, वहाँ से मम्मा से पीथन, मनाइयों पीथन, जंगली जीवा दो आए कि पीथन, और कि जिन पहले पहुँचन तेन पायन, तो पायन पीछे आए तेन नहीं पावे, खाली भग देता है। क्या होता है, का पहले गया तेन भर लाए, हम काहिन खपाइए, इसे फिर झगड़ा लड़ाई। तो सुना आपने इन ग्रामीणों का दर्द, किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहा है। एक छोटा सा गड्ढा इनकी जीवनदायिनी बना हुआ है, ये छोटा सा गड्ढा इनकी जीवनदायिनी बना हुआ है, और इसी से ज़िंदगी का गुजर बसर के लिए दो बूंद पानी इकट्ठा करते हैं। यही गड्ढे में नहाना धोना होता है, और इसी गड्ढी के पानी से खाना बनाने के अलावा पीने में भी इस्तेमाल यही पानी होता है, और तो और जानवर भी यही पानी पीते हैं। जिस तरह आपने बात सुनी, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस पानी के पीने से बीमार तो होते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, जानवर मर जाते हैं, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पानी कितना नुकसानदेह साबित होता होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले की, यहां के गिरारी खुर्द के बेगन टोला में 23 बेगा संरक्षित जनजाति के परिवार निवास करते हैं, लेकिन इनको पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं कि जिम्मेदार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और एक समाज सेवी ने इस मुद्दे को भी उठाया, उनका भी क्या कुछ कहना है हम आपको सुनाते हैं। और जानवर सभी लोग इसमें एक साथ पानी पीते हैं। तमाम योजनाएं यहाँ
सारी की सारी गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है यहाँ धरी की धरी रह जाती हैं। ये बैगा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर पानी का कोई निदान नहीं है, ना यहाँ बिजली है ना पानी है। अभी जिस झरने से ये ग्रामीण पानी लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सांप पाया गया था। इन लोगों को लगातार खतरा बना हुआ है, किंतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। आपने जानकारी दी है कल से ही वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती वहाँ पर पेयजल का परिवहन कराया जाएगा। तो आपने देखा उनके संज्ञान में मामला एक हफ्ते पहले आ गया था, लेकिन जैसे ही मीडिया ने दखल दिया इस मामले को लेकर तो प्रशासन नींद से जागा और कल से ही जो है पानी पेयजल को लेकर परिवहन करने की बात सामने आ रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए अनूपपुर संवाददाता मृदुल मिश्रा। मृदुल, जिस तरह बात निकलकर सामने आ रही है, बेगा जो जाति के लोग हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, एक छोटा सा गड्ढा ही इनके लिए जीवनदायिनी बना हुआ है, तो क्या वजह है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जी कमल, मैं बताना चाहूंगा, बैगा जाति जो कि विलुप्त होती जातियों में से एक है, मध्य प्रदेश शासन ने इसके संरक्षण के लिए भी बहुत से योजनाएं लाई, इसके बाद भी अनूपपुर जिले में देखने को मिल रहा कि लगभग 23 परिवार जो कि 100 से अधिक जनसंख्या वाले हैं, इसके बाद भी इन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। ये एक ही गड्ढे में पानी पीते हैं, उसी में मवेशी नहाते हैं, उसी को ये उपयोग में ले लेते हैं। और तो और मैं बताना चाहूंगा, कभी कभी तो उन्हें उस गड्ढे का गंदा पानी भी नसीब नहीं होता। जी। ये हालत कब बनती है? देखा जाए तो थोड़ी बहुत बारिश होती होगी तो शायद ये गड्ढा भर जाता होगा, और जिस तरह से गर्मी पड़ती होगी तो पानी का स्तर जो है गड्ढे में जो है नीचे चला जाता होगा, या यूं कहा जाए कि गड्ढा सूख जाता होगा, तो ऐसे में फिर ये ग्रामीण लोग कहाँ से पानी की व्यवस्था करते होंगे? मृदुल, आपको आवाज मिल रही है? लगता है उनसे संपर्क उसके बाद भी ये लोग उसी पानी को उपयोग में लेते हैं, और इनको अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना होता है, तब कहीं जाके उन्हें ये गंदा पानी नसीब होता है। देखने वाली बात यह है कि आज हमारा सिर्फ राज्य नहीं, हमारा पूरा भारत जो कि डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसके बाद भी एक ऐसा गाँव जहाँ 100 से अधिक जनसंख्या है वो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। जी मृदुल, जिस तरह देखा जाए पानी का जो स्रोत है इन ग्रामीणों के लिए, इन बैगा जाति के लोगों के लिए, वो सिर्फ एक ये गड्ढा है। अगर ये गड्ढा सूख जाता है तो पानी का इंतजाम ये लोग कहाँ से करते हैं? अगर ये गड्ढा सूख जाता है तो ये लोग प्यासे रह जाते हैं, बिना पानी के रह जाते हैं, क्योंकि इस पूरे गांव में ना तो एक भी हैंड पंप है ना तो एक भी कुएं है। हम जब भी इस मामले को शासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी समस्या पूरी तरीके से उनकी खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर मृदुल, ये कहा जा सकता है कि सिर्फ आश्वासन मिलते हैं जिनको आमली जामा कभी पहनाया नहीं जाता? बिल्कुल और सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन बेबस का इन ग्रामीणों का, इन बेचारे गरीबों का कोई भी सुनने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का खेल चलता है। चलिए, बिल तमाम जानकारी के मृदुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को बता दें, हल्लाबोल में आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के गिरारी खुर्द की। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गिरारी खुर्द की तस्वीरें हैं, टोला में बैगन टोला एक जगह है यहाँ पर, जहाँ पर 23 बेगा संरक्षित जनजाति के परिवार निवास करते हैं। ये वो बेगा जाति है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने संरक्षण देने की बात कही है, और ये विलुप्त होती प्रजाति है, और इसको संरक्षण को लेकर कई सारी सरकार की तरफ से योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके
इनका हाल बेहाल है। अभी तो फिलहाल ये बात पानी और बिजली को लेकर कही जा रही है, लेकिन और भी सुविधाओं से जो सरकार की तरफ इनको देने की बात कही जाती है वो इनसे कोसों दूर है। इनको पता ही नहीं है कि सरकार इनके लिए क्या कुछ कर रही है, क्योंकि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वे गैर जिम्मेदार बने हुए, लापरवाह बने हुए हैं, गंभीरता से इनके मामलों के लेकर सुनवाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि इन ग्रामीणों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है, कई बार पंचायत के चक्कर लगाए, कई बार आला अधिकारियों को की दहलीज पे दस्तक भी दी, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी गंभीर रूप से इनके समस्याओं के निदान के लिए कोई उचित कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल पानी को लेकर यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई है, एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी कहीं ना किसी तरह से इकट्ठा हो जाता है और यही गड्ढा इनके लिए जीवनदायिनी बना हुआ है। ये वो जल है जो इसको अमृत समझकर पीते हैं, अमृत इसलिए कि इनके 2 किलोमीटर दूर तक कहीं कहीं पानी नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष पुष्पराज गढ़ से हीरा सिंह श्याम। हीरा सिंह जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई जी। खुर्द के बैगन टोला एक बस्ती है, यहाँ पर 23 बेगा संरक्षित परिवार रहते हैं। पानी की समस्या यहाँ पर एक विकराल रूप बनी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, इसका सूचना हमको मिला था भाई साहब, फिर वहाँ पर हमने पंचायत के द्वारा पेयजल परिवहन की व्यवस्था करके पानी की व्यवस्था कराया गया है जी। किस तरह, किस रूप में परिवहन किया जा रहा है पानी का यहाँ पे? पानी का सर टैंकरों के माध्यम से जल स्रोतों से ले जाके गांवों में शाम सुबह पेयजल परिवहन का व्यवस्था किया गया है। अपने समूचे पुष्पराजगढ़ में सब जगह के ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या है, जहां पानी पीने योग्य नहीं है, तो उन जगहों में पेयजल की व्यवस्था किया गया है जी। पुष्प श्याम जी, जिस तरह देखा जाए, आपने कहा 2 वक्त सुबह और शाम टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं, कितने टैंकर एक वक्त में पानी की सप्लाई किए जाते हैं? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा सर, लेकिन 35 से 40 पंचायतों में ये व्यवस्था किया गया है। एक वक्त में एक जगह पर कितने टैंकर पहुंचाए जाते हैं जी? एक वक्त में एक जगह पर कितने टैंकर पहुंचाए जाते हैं? वो तो जिस मोहल्ले में कम है सर, चाहे जितने ट्रिप मारना पड़े उनको उसकी संपूर्ण व्यवस्था करने का सब कर दिया गया है पेयजल परिवहन का जी। श्याम जी, ये आपको पता कैसे चलता है कि इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में पानी की समस्या है तो उसको लेकर परिवहन किया जाए पानी का, तो कैसे पहुंचाते हैं फिर? क्या है, कुछ गांवों को पूर्व में चिन्हित किया गया भाई साहब, उसके माध्यम से चिन्हित करने के बाद, और जिस तरह से कई जगहों पे अपन लोग फील्ड भ्रमण में भी रहते हैं तो उस दौरान भी पता चलता है कि नहीं है हो पाया, या कि प्रत्येक पंचायतों में पहले से ही सूचित किया जाता है कि किन किन जगहों में पेयजल की भारी समस्या है और उनपे क्या व्यवस्था किया जाए, तो उनका लिस्टेड मंगाते हैं, उन्हीं आधार पे सब जगह पे परमिशन परमिटेड कर दिया जाता है जी, पूर्व से ही। जी श्याम जी, जैसा कि आपने बताया, जैसे जैसे पानी के संकट को लेकर खबर मिलती है उसको लेकर उनका निराकरण किया जाता है और क्षेत्र का भ्रमण करके इस जानकारी समझी जाती है कि कहां पर पानी की जरूरत है। आपको लगता है कि जिस क्षेत्र में कि हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ एक पानी का गड्ढा ही यहां के रहवासियों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ है, इसी गड्ढे के सहारे लोग पानी पीते हैं? अब इसमें तो कुछ समस्या ये भी है भाई साहब, जैसे अपन नलकूप की बात करें तो नलकूप भी कई जगहों पे किया गया, लेकिन अपना पुष्पराजगढ़ इतना बृहद क्षेत्र है और कई जगहों पे पथरीला क्षेत्र है कि नलकूप के पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद भी पानी निकल नहीं पाता नीचे से जी, है ना, क्योंकि जल स्रोत ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऐसे जगहों में थोड़ा सा बृहद क्षेत्र है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ जैसे समस्याओं का और कई जगहों पे जानकारी मिलता है तो उनमें त्वरित कार्रवाई किया जाता है। हीरा सिंह जी, इस क्षेत्र का दौरा आपने कब किया था, कितना वक्त हो गया है? कहाँ का सर ये? तो मैं आपको बता दूं, गिरारी खुर्द के बैगन टोला क्षेत्र की जी। आपकी इमली टोला की बात कर रहे हैं ना सर? जी जी हाँ, इमली टोला में स्पेशल इनका बीच में भी ये मामला आया था माननीय कलेक्टर महोदय के इधर से, और वहाँ से भी वहाँ भी पानी की व्यवस्था किया गया है जी। पिछला दौरा कब किया था आपने इस क्षेत्र का, कितना वक्त हो गया है? मेरे को पिछले 20-25 दिन पहले किया था भाई साहब। 20-25 दिन पहले आपने कहा था, और टैंकर की अगर बात की जाए इससे पानी की सप्लाई कितने दिन पहले से शुरू हुई है जी? पानी की जो सप्लाई आप करने की बात कर रहे हैं, कितने दिन पहले से देना शुरू किया आपने पानी? ये तो पानी का भाई साहब हमारे इधर पे जैसे ही अपना
अपना मार्च अप्रैल मई चालू होता है तब से ही हो जाता है। लेकिन ये बात गलत साबित हो रही है आपकी हीरा सिंह जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें सिर्फ एक गड्ढे से, वो भी गंदा कीचड़ भरा हुआ गड्ढा है, इसी से नाखून जानवर पानी पी रहे हैं बल्कि इंसान भी पीने को मजबूर है। क्या वजह मानी जाए कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी आप लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? देख के वो करवाते हैं बट इधर से प्रयास तो किया जा रहा है। कब तक हो पाएगा, क्योंकि आप मार्च अप्रैल से जैसी गर्मी शुरू हुई तब से पानी की सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण जो है इस गड्ढे की आस में जीते हैं, ये गड्ढे का पानी उनके लिए अमृत बना हुआ है जबकि कई बीमारियों को दावत दे रहा है ये पानी। जी आपका कहना सही है भाई साहब, बट इसमें अगर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है तो उसका मैं फिर से अवलोकन करवा के, और अगर अगर इन जिन पंचायत वालों के द्वारा अगर लापरवाही किया गया होगा पानी सप्लाई के दौरान तो उनके जांच करवाने के बाद त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। आपने जब यहां का निरीक्षण किया, आपका कहना है कि 20 दिन पहले यहां का हमने दौरा किया था और यहां की जायजा लिया, तो तब ये बात सामने नहीं आई थी कि एक गड्ढे के सहारे ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं पानी को लेकर? नहीं, ये समस्याओं का बीच में भी आना हुआ था, लेकिन इसके बाद पेयजल की व्यवस्था पहले भी हुआ था, इसके बाद वहाँ और एक्स्ट्रा टैंकर भरवा के पानी पेयजल की व्यवस्था कराया। चलिए, जिस तरह की समस्या से हमने आपको संज्ञान में समस्या को ला दिया, कब तक इस समस्या के निदान का आश्वासन देंगे, कब तक इस पर कार्रवाई करेंगे आप? मैं इसको बहुत भाई साहब 2-4 दिन के अंदर ही पूरे वो क्लियर करके जी 2-4 दिन बाद हमारी टीम फिर आपसे संपर्क करेगी, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी ये जी रहे नर की जिंदगी से कम नहीं है। हीरा सिंह जी, तो आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्लबल में आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराज गढ़ क्षेत्र की, यहाँ के गिरारी खुर्द के बेगन टोला जो क्षेत्र है यहाँ पर बेगा संरक्षित जनजाति के परिवार रहते हैं, 23 परिवार हैं लेकिन इनको पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालांकि जनपद अध्यक्ष की इससे हमने बात की, उनका कहना है कि गर्मी शुरू होते ही यहाँ पर पानी के स्रोत तो नहीं है लेकिन इसको देखते हुए टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहा है वो बात कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है, क्योंकि ये जो बेगा जाति के लोग हैं एक गड्ढे पर आश्रित हैं और इस गड्ढे में जब तक पानी रहता है तब तक इनकी ज़िंदगी चलती है, और अगर इस गड्ढे का पानी सूख जाता है ये इनके लिए एक अमृत ही साबित होता है, और जब ये अमृत इनको नहीं मिलता तो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी का इंतज़ाम करने के लिए निकल जाते हैं। यही जो पानी का स्रोत है जानवरों के पीने के लिए भी इनके लिए एक बड़ा स्रोत है, और यही खुद खाना बनाने से लेकर पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, और तो और इसी पानी के ज़रिए नहाते भी और धोते भी हैं। अब बात यह है, यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है एक बड़ा सवाल ये है कि अगर 10-20 दिन पहले जनपद अध्यक्ष महोदय ने यहाँ का दौरा किया तो ये समस्या उनके इस समस्या पर उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, उनकी नज़र इनायत इस ओर क्यों नहीं हुई कि बेगा जाति के जो 23 परिवार हैं इस गड्ढे के सहारे पानी पीकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये वो गड्ढा है जहाँ पर कीचड़ भरपूर तरीके से देखी जा सकती है, किसी दलदल से कम नहीं है ये गड्ढा, और यहाँ पर एक बार सांप निकलने की घटना भी सामने आई थी, अक्सर जान जोखिम में डली रहती है इस गड्ढे से पानी उठाने लेने को लेकर, और दूसरी बार देखा जाए तो जान एक बार और जान पर बनाती है तब भी ये लोग इस गड्ढे का गंदा पानी पीते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है। ग्रामीणों की बात आपने सुनी, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर जीना है तो ये पानी मजबूरन पीना पड़ता है, क्योंकि कहीं और से जल पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। शासन से कई बार जो है इस बात को लेकर गुहार लगाई लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर होते नज़र नहीं आते, मिलता है तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, समस्याओं के निदान के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, और इस आश्वासन को कभी आमली जामा पहनाते हुए कोई अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आता है। गिरी खुर्द के बेगन टोला, जी हाँ, अनूपपुर जिले का पुष्पराज जो गढ़ है उसका एक क्षेत्र है, यहाँ पर बेगा संरक्षित जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, विलुप्त होती जाती है ये, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं लेकिन इन बेगा जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हल्लबोल में आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ में
गिरारी खुर्द एक क्षेत्र है, यहाँ का बेगन टोला एक इलाका है जहाँ पर 23 बेगा संरक्षित जाति के परिवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है और ये प्रजाति के लोग जो हैं, जनजाति जो है यहाँ की, इसके परिवार के जो लोग हैं, एक गड्ढा नुमा छोटा सा यहाँ पर एक पोंड बना हुआ है, यहाँ पर एक पोखर बनी हुई है, इसी से पानी पीने को मजबूर है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये जो तस्वीरें हैं बेगन टोला क्षेत्र की हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएचईडी के कार्यपालन यंत्री एच ध्रुवे जी। ध्रुवे जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हाँ बताइए जी। बेगन टोला एक क्षेत्र है, पुष्पराजगढ़ के इलाके में यह क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर बेगा संरक्षित जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनको पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो एक्चुअल में सर हमें 31 तारीख को पता चला था ये जी। पहले वहाँ कुआ थे तो ड्राई हो गए थे तो वो पी रहे थे, तो 31 तारीख को जैसे ही पता चला तो हम 1 तारीख से वहाँ पेयजल परिवहन चालू कर दिए और 2 तारीख को वहाँ एक नया कुआ जेसीबी से खुदवा के और पानी दे रहे थे जी। और अभी कल 2 बोर हो गए वहाँ जी। ध्रुवे जी, जैसा कि आपका कहना है कि जल स्रोत वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जनपद अध्यक्ष से अभी बात हुई, उनका कहना है कि जिस तरह से पानी की सप्लाई करने की बात होती है, गर्मी शुरू होते ही हम इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू कर देते हैं, और आपका कहना है कि अभी हमने 1 तारीख से ही पानी की सप्लाई शुरू करी है, तो किसकी बात को सही माना जाए? हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ, अभी हमें पता चला बैगान टोला पहाड़ के ऊपर है वो बसाहत, पहले वहाँ बोरिंग गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी जी, है ना जी, और वहाँ कुआ के पानी पीते थे लोग, जब कुआ सूख गया, गर्मी ज्यादा पड़ी, कम बारिश हुई थी जी, तो फिर पता चला हमको, तो मैं तत्काल 1 तारीख को गया, मुझे 31 को शाम को पता चला था, 1 जून को गया मैं जाके देखा, फिर सरपंच से बात किया, सरपंच ने टैंकर भेजाया जी। ध्रुवे जी, आपने ध्रुवे जी क्षेत्र का दौरा किया था आपने, बैगन टोला जो क्षेत्र है यहाँ का, जहाँ बेगा संरक्षित जनजाति के लोग रहते हैं? हाँ, मैं दौरा किया था। कुछ परिस्थिति देखने को मिली थी यहाँ पर जी? क्या कुछ माजरा देखने को मिला था, क्या कुछ स्थिति थी यहाँ पर? हाँ, पानी नहीं था, वो तालाब में झिरिया खोद के पी रहे थे सर जी। एक आपको मालूम है, जो झिरिया खोद कर जो लोग पानी पी रहे हैं वो एक जहरीला पानी है, यहाँ पर कीचड़ का अंबार है, यही लोग पानी पी रहे हैं, यही जानवरों को पिला रहे हैं, और इसके अलावा इसी पानी का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं और जानवर भी मर रहे हैं इस पानी को पीने को लेकर। तो क्या वजह रही है कि इसको लेकर गंभीर कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए, हालांकि आपका कहना है कि 1 तारीख से पानी की सप्लाई की गई है? इससे पहले संरक्षण, जिस तरह से यहाँ के निरीक्षण की बात जनपद अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी गंभीर होता नजर क्यों नहीं आया? नहीं, अब वो मिस तो हो गया, वो बसाहत नहीं जा पाए वहाँ, उसको कोई मैसेज भी नहीं दे पाया था, इसलिए मतलब वो छूट गया था बसाहत जी। क्या जिस तरह पहाड़ के ऊपर है जी, ध्रुवे जी, जिस तरह आपने बताया कि एक कुआं खोदने की बात आपने कही है, वहाँ पर जल स्रोत बनाने की बात आपने कही है, तो कब तक ये जल स्रोत तैयार हो जाएंगे? नहीं, कुआं खुद गया, पानी उसी नए कुआं से पानी पी रहे हैं वो। पानी पीने योग्य निकला है वहाँ पे? क्या पानी पीने योग्य निकला है वहाँ से? पानी पीने योग्य निकला है, पानी का परीक्षण करवाया मैंने, कलेक्टर को भी भेजा जी, सब किया, और अभी हैंडपंप भी हो गया वहाँ कल जी। जी आप ध्रुवे जी, आपसे एक और दरखास्त है, आप समय समय पर जाहिर से बातें मॉनिटरिंग के लिए जाते होंगे, एक बार और जाइए इस कुआं खोदने के बाद, और इस बेगा जाति के जो लोग हैं उनको इस कुएं से अवगत कराइए, उनको एक या तो कैंप लगाइए या किस तरह से इनको अवगत कराइए, ये जो पानी पी रहे हैं वो उनके लिए जहरीला पानी है, नुकसानदेह साबित होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छी जिम्मेदारी निभाने की बात सामने आएगी, और आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्लबल में आज हमने बात की अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के एक ऐसे क्षेत्र की जो कि गिरारी खुर्द बेगन टोला के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 23 बेगा संरक्षित जनजाति, जी हाँ, ये वो जनजाति के लोग हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, इसको मध्य प्रदेश सरकार को सरकार ने संरक्षण देने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, जनजाति के लोगों को नहीं मिल रहा है, पानी की सबसे बड़ी समस्या इनके सामने है। जनपद अध्यक्ष का कहना है कि गर्मी शुरू होती है पानी की सप्लाई कर दी जाती है, हालांकि यहाँ पर जल स्रोत नहीं है, और पीएचई के जिम्मेदार अधिकारी कार्यपालन यंत्री ध्रुवे से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 21 तारीख को ये मामला उनके सामने आया था और 1 तारीख
से पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। हालांकि यहां पर एक कुआं खुदवा दिया गया है और दो जल स्रोत बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इस जल स्रोत से वाकिफ नहीं है। बावजूद इसके इनको गंदा पानी पीना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, जिस तरह से सुविधाएं देने की बात प्रशासन की तरफ से बात कही जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है, इस आश्वासन को अमलीजामा कब पहनाया जाएगा, यह एक देखने वाली बात होगी। हल्लाबल में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।